आरोग्य जागृती मागील 3 वर्षापासून आम्ही सतत करत आहोत. मागणी करणे म्हणजे आम्ही सुरुवातीला जे लोकशाही मार्गाने आहे, लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली, लाक्षणिक आंदोलन केली, उपोषण केले, अमर उपोषण केले, धरणे केले. जे सगळे आमदार आहेत आपल्या औरंगाबाद शहराचे, संभाजीनगर शहर औरंगाबादचे जे सर्व आमदार आहेत, त्या आमदारांना आम्ही आमच्यातर्फे आमच्या संघटनेतर्फे आम्ही निवेदन दिलं, सगळ्यांना निवेदन देण्याचा प्रयत्न निवेदन दिले. तसेच आलेल्या सगळ्या खासदारांना निवेदन दिले. जे जे लोकशाही मार्गाने करतायत ते आम्ही केले. आम्ही जे अल्पसंख्याक आयोगाचे जे अध्यक्ष होते त्यांनाही निवेदन दिलं. तसेच आमचे अध्यक्ष महोदय यांनी आता जे अधिवेशन झालं इथं आपण टीव्हीवर बघितलं असाल, त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा ताबा आणून त्यांना निवेदन दिलं. ते निवेदन साहेबांनी स्वीकारलं सुद्धा आणि त्यांना असं सांगितलं की आम्ही याच्यावर विचार करणार आहोत आणि त्याची त्याप्रमाणे मीटिंग पण झाली. कुछ ही दिनों में आपके लिए मार्केट की जो है तो स्थापना के लिए हमने प्रस्ताव रखे. पीछे जो है तो पीछे जो अधिवेशन हुए मंत्रिमंडल की बैठक हुए उसमें दो आमदारों ने वो प्रश्न वहाँ उपस्थित करे, शेख रईस ने उपस्थित करे, अब वो आदमी सामने उपस्थित करे, उसके ऊपर सब मंत्रिमंडल में चर्चा भी होगी. उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिए बहुत सारे, उसमें भी उन्होंने बताया कि मार्केट की स्थापना करने वाली. लेकिन जो नए नए छोटे छोटे शासन निर्णय आ रहे जो हाउ समाज के लिए जो अलग अलग स्वयं संस्था शासन ने बनाई है उनको लेकर जो जी आ रहा है, उनके विद्यार्थियों को जो प्रमोट किया जा रहा है, उनकी जो विद्यार्थी संख्या उसमें आ रही वो अल्पसंख्यक समाज की संख्या वहाँ पर कहीं दिख रही, तो वहाँ हमारे को ऐसा लग रहा है कि हम जो 3 साल से यहाँ प्रयास कर रहे ये प्रयास कहीं तो भी हमारा कम होगा. इसके लिए हमारे को ये प्रयास और थोड़ा सा सक्षम करके और थोड़ा सा पॉजिटिव करके और थोड़ा सा शासन से जो है तो समन्वय करके इसको कहीं ना कहीं शासन को हमारी मांगनी मंजूर करके कोई तो शासन निर्णय हमारे विभाग में लेना पड़ेगा मार्टी के लिए और हमारे अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों के लिए. कोशिश कर रहे थे सर, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज जो हमारा पहले ऑलरेडी पिछड़े हो हमें तो सब कुछ बोले आरक्षण का हमारा चल रहा है और दूसरे समाज की वजह से घटा गया जैसा भारतीय पार्टी अमरुद इस तरह के. अभी 30 तारीख को JR के रेफरेंस में आपको बात करता हूँ. परसों JR आया शासन का सर्व समानता के वास्ते जो भी योजना है सारथी पार्टी मालूम उसमें एकता नहीं थी. पार्टी में कुछ ज़्यादा बच्चे हो गए थे, आदि छात्रवृत्ति परदेश में जाने की स्कॉलरशिप मिली, UPSC उसका कुछ उन्होंने बनाए नहीं थे, सबको समान नहीं बनाए, इसमें कुछ उन्होंने ज़्यादा पैसे देते थे, बच्चे ज़्यादा हो गए, साठी को इसी तरह पार्टी को इस तरह मानी थी. तो 30 तारीख को जो JR निकला अवन के सचिव नितिन बाग से, उसमें उन्होंने साठी बाल्टी महाज्योति अमृत ये जो संस्था विविध घटक के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने अवन मुख्य सचिव की कमेटी बनाई. उसमें उन्होंने खुला लिखा कि हम जो तो सर्वसमावेशक योजना हर विद्यार्थी को उसको समान संधि मिला उसके लिए उन्होंने कमेटी बनाई और उसमें उन्होंने ये बात रखी. तो हमको अफसोस ये हो रहा है कि हम चाह रहे थे कि JR में हम जो 3 साल से मेहनत कर रहे वो शासन निर्णय में हमारा मौलाना साहब दूसरा देने की जो मार्टी जो अल्पसंख्यक समाज के लिए हम काम कर रहे हैं वो उसमें ऐड होना चाहिए. वो गवर्नमेंट ने इसके दखल नहीं ली. तो हमें थोड़ा लगा कि आपके प्रेस के माध्यम से शासन को हमारी बात वहाँ पर पहुँचे, नेशन को अपने मुल्क को तरक्की पहुंचाने के लिए काम करता है. इसीलिए हमने सोचा कि हमारे बच्चों को फायदा होना चाहिए, इसके लिए कोशिशें की. और मैं आपको ये बात इन लोगों की मौजूदगी में और आप लोगों जो मीडिया वाले के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि 70% महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के आमदार लोगों तक हमारी बात पहुंच चुकी है. हम लोग भाग भाग कर निवेदन दिए, हमारे अजहर साहब ने शिंदे साहब की गाड़ी लगाकर पूरे न्यूज चैनल पर आपने देखा कि वहां पर उनको बताया गया है, वहां पर उन्होंने देखा, उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया. लेकिन हमको ये लग रहा है कि पॉजिटिव रिस्पांस का हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या हम घर में सजा कर रखें. हमको आप कुछ चीज दीजिए, जैसे कि अगर इस मुल्क की और इस रियासत की और खुसूसन इस राज्य की सरकार को अगर आंदोलन की बात से समझती है तो वो हमें कहते हैं हम आंदोलन के मार्ग से जाएंगे, अगर उनको उपोषण का समझता है तो उपोषण के मार्ग से जाएंगे. मान्यता मांग ये है कि फॉर्म हमारी बननी चाहिए, बच्चों को तालीम के लिए पैसा मिलना चाहिए, उनको सपोर्ट मिलना चाहिए. इसलिए कि पढ़ने वाला बच्चा अगर मैं एक बैक क्लास फैमिली से हूँ और अगर मेरे पास 10th और 12th तक के लिए फीस है तो आगे की फीस के लिए मैं कहाँ जाऊँगा, सरकार मेरी मदद करेगी और अगर सरकार से मुझे मदद मिलेगी जैसा कि आपने देखा कि सातवीं बारहवीं और महाज्योति के अंदर फेलोशिप और PhD करने के लिए बच्चों को 21,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहा है.
अगर 421,000 रुपीस मुझे मिलेंगे मैं स्टेबल होऊंगा, मैं अच्छी से स्टडी करूंगा और स्टडी कर अपने मुल्क के और अपने देश के नाम को रोशन करूंगा। हमने देखा कि कई बच्चे, कई टैलेंटेड बच्चे ये नहीं होने की वजह से पीछे हो गए। मार्टीची स्थापना करावी जेणेकरून मुस्लिम समाजाचा जो मागासलेला पणा आहे हे आपल्या सगळ्यांनाच माहित आहे। वेगवेगळे गोपाल कमिशन येऊन गेलं, जस्टिस सच्चा समय कमिशन आलं, त्यांनी सांगितलंय बाबा मुस्लिम समाजाची जी आजची आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक परिस्थिती आहे या मागास स्वर्गीय समाजाच्या पेक्षाही खाली गेलेली आहे। त्यांनी स्पष्ट सांगितलं त्याप्रमाणे आम्ही आमचं म्हणणं असं आहे की आरक्षण आपण देणार ते मंजूर झालेलं आहे, कोर्टामध्ये आहे, शासनाचा निर्णय आहे, ते इम्प्लिमेंटेशन होईल नंतर ते करणारच आहे, समाजात येत नाही। परंतु मुस्लिम समाजाची परिस्थिती आहे, शैक्षणिक परिस्थिती खूप खराब आहे, आर्थिक परिस्थिती खराब आहे, सामाजिक परिस्थिती खराब आहे, याच्यासाठी जर त्यांचं शैक्षणिक परिस्थिती चांगली झाली तर नक्कीच त्याचा असर हे आरोग्यावरही होईल, सामाजिक क्षेत्रावर सुद्धा होईल। म्हणून आमची मागणी अशी आहे की आपण मार्टीची स्थापना करावी। जसे मार्टीला आपण 10वीपासून तर ग्रॅज्युएशनपासून तर पीएचडी पर्यंत आपण तिचं सहकार्य करतात अनुदान देऊन वेगवेगळ्या माध्यमातून, तशीच आपण मार्टीला पण मार्टीची स्थापना करून मुस्लिम समाजाला सुद्धा मुख्य प्रवाह करण्यासाठी। आरोग्य जागृती।